गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3 लेक्चर 10-1 सब्जेक्ट कंप्यूटर क्लास 6। आज आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है। फर्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। पावर पॉइंट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन। दूसरा है बी, पावर पॉइंट इज ए पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज। तीसरा है पावर पॉइंट कंसिस्ट ऑफ रिबन टैब्स एंड ग्राफिकल। चौथा है स्मार्ट आर्ट इज ए स्टाइलिश वे दैट रिप्रेजेंट्स योर टेक्स्ट इन ग्राफिकल। और पांचवा है थीम्स आर यूज्ड टू मेक योर स्लाइड अट्रैक्टिव। उसके बाद आपका है टिक द करेक्ट आंसर। एमएस पावर पॉइंट कंसिस्ट ऑफ 2 का थर्ड रिबन एंड टैब्स ग्रुप। If you want to create a presentation, you should have to use MS PowerPoint because second, a presentation can be made for interactive by using C का first picture. To convert a smart art in 3D manner, how many times you should have to click on the slide smart art? आपका D का 2. Themes refer to the color font effects. E का फर्स्ट। थीम्स इन ए स्लाइड कैन बी चेंज बाई यूजिंग टूल्स। F का 2। इंसर्ट टैब्स इज प्रेजेंट इन रिबन। G का फर्स्ट। वर्ड आर्ट इज द ऑप्शन प्रेजेंट इन इलस्ट्रेशन ग्रुप। H का सेकेंड। एंड I का द डॉटेड ग्रीन बॉक्स सराउंडिंग द स्लाइड इज यूज फॉर रोटेटिंग एंड सेजिंग। I का सेकेंड। थर्ड है ट्रू एंड फॉल्स। वी कैन नॉट क्रिएट एनिमेटेड प्रेजेंस इन एमएस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। फॉल्स। थीम्स रेफर टू द सेट ऑफ कलर फॉन्ट इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड। ट्रू। एंड वी कैन चेंज बैकग्राउंड स्टाइल इफ करेंट थीम इन स्लाइड। इसके बाद आप लोग सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखेंगे।